الصبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ये बयान किताब सुन्नी बहश्ती ज़ेवर कामिल से बयान किया जा रहा है, जिसको तहरीर फरमाया है खलील मिलत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील खान कादरी बरकाती कुद्दुस सरहुल अज़ीज़ ने. सफ़र मदीना तयबा. हबीब अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस से पनाह में हाजरी और रोज़ा अनवर की ज़ियारत करीब बवाजिब है. बहुत लोग दोस्त बनकर तरह तरह से डराते हैं, राह में खतरा है, वहाँ बीमारी है, खबरदार किसी की ना सुनो और हरगिज़ महरूमी का दाग लेकर ना पलटो. जान एक दिन जानी ज़रूर है, इससे क्या बेहतर के उनकी राह में जाए. और तजुर्बा है कि जो उनका दामन थाम लेता है उसे अपने साए में आराम से ले जाते हैं, कील का खुटका नहीं होता. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़ियारत की तो गोया उसने मेरी ज़िंदगी में ज़ियारत की, और जो हरमैन मक्का मुअज़्ज़मा व मदीना मुनव्वरा में मरेगा कयामत के दिन अमन वालों में उठेगा. और एक हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत ना की उसने मुझ पर जफा की. हज अगर फ़र्ज़ है तो हज करके मदीना तैयबा हाजिर हो. हाँ, अगर मदीना तैयबा रास्ते में हो तो रोज़ा अनवर की ज़ियारत के बग़ैर हज को जाना सख्त महरूमी और कसावत कलबी संगदिली है. और इस हाजिरी को कबूल हज सआदत दीनी व दुनियावी के लिए ज़रिया व वसीला करार दे. और हज नफल हो तो इख्तियार है कि पहले हज से पाक साफ होकर महबूब के दरबार में हाजिर हो, या पहले सरकार आज़म में हाजिर हो कर हज के लिए जाए. गर्ज उसे इख्तियार है, मगर नियत खैर दरकार है कि एमाल का मदार नियत पर है. यकीन जानो कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची हकीकी दुनियावी जिस्मानी हयात से वैसे ही जिंदा हैं जैसे वफात शरीफ से पहले थे. उनकी और तमाम अंबियाए अलैहिमुस्सलात व सलाम की मौत सिर्फ वादा खुदा की तस्दीक को एक आन के लिए थी, फिर बदस्तूर ज़िंदा हो गए. तो उनका इंतकाल सिर्फ नज़र अवाम से छुप जाना है. व लिहाजा अमादीन रहमतुल्लाह ताला अलैहिमुल अजमईन फरमाते हैं कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात वफात में इस बात में कुछ फ़र्क नहीं कि वो अपनी उम्मत को देख रहे हैं, और उनकी हालतों और नियतों, उनके इरादों और उनके दिलों के ख्यालों को पहचानते हैं. और ये सब हुजूर पर ऐसा रोशन है जिसमें असलन पोशीदगी नहीं, यहाँ तक कि वो तेरी हाजिरी और तेरे खड़े होने और तेरे सलाम बल्कि तमाम अहवाल व अफ़ाल और कूचे मकाम से आगाह हैं. व लिहाजा हुजूर की ताज़ीम व तौकीर जिस तरह उस वक्त थी कि हुजूर इस आलम में ज़ाहरी निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमा थे, अब भी इसी तरह फ़र्ज आज़म है. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीना तैयबा की हाजिरी नसीब हो तो रोज़ा शरीफ के सामने चार हाथ के फासले से दस्त बस्ता जैसे नमाज में खड़े होते हैं, खड़ी होकर सर झुकाए आंखें नीची किए हुए जलाल व जमाल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर में डूब कर सलात व सलाम अर्ज करे. बहुत करीब ना जाए, ना इधर उधर देखे, और खबरदार आवाज़ कभी बुलंद ना करना कि उम्र भर का सारा किया धरा अकारत हो जाए. उस वक्त जो अदब व ताज़ीम फ़र्ज़ है हर मुसलमान का दिल जानता है. आँखों कानों जबान हाथ पांव दिल सब ख्याल गैर से पाक करो. खुशी व खुजू से आस्ताना अकदस की तरफ मुतवजह रहो. रोना
ना आए तो रोने का मुंह बनाओ और दिल को बजोर रोने पर रुलाओ और अपनी संगदिली से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इल्तिजा करो। लरस्ती कांपती गुनाहों की नदामत से पसीना पसीना होती हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफो करम की उम्मीद रखती हुजूर वाला की पाएं यानी मशरक की तरफ से सामने हाजिर हो कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोबा किबला जलवा फरमाएं। इस सिमत से हाजिर होकर हुजूर की निगाह बेकस पनाह तुम्हारी तरफ होगी और ये बात तुम्हारे लिए दोनों जहां में काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब के दिल की तरह तुम्हारा मुंह भी उस पाक जाली की तरफ है जो अल्लाह अज़वजल के महबूब अजीमुल शान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह है। नहायत अदब व वकार के साथ मोतदिल आवाज़ से अर्ज़ करो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह अस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलामु अलैका व अला आलिका व असहाबिका व उम्मतिका अजमईन। जहाँ तक मुमकिन हो और ज़बान साथ दे और मलाल व कसल ना हो सलात व सलाम की कसरत करो और हुजूर से अपने लिए और अपने माँ बाप पीर उस्ताद औलाद अजीज़ों सहेलियों और सब मुसलमानों के लिए शफात मांगो। बार बार अर्ज़ करो अस्अलुका शफात या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं आपसे शफात की भीख मांगती हूँ। फिर अगर किसी ने अर्ज सलाम की वसीयत की हो बजा लाओ शरण उसका हुक्म है। वो तमाम आदाब व अहकाम जो तवाफ़ खाना काबा में और दूसरे मकामात पर मलहूज थे यहाँ भी उनका लिहाज रखें। मसलन हरगिज़ अजनबी मर्दों के हजूम में दाखिल ना हो उनसे अपना बदन मस ना होने दें और सितरे औरत का पूरा पूरा अहतमाम करें। सफ़र हज के लिए जाना नसीब हो तो इमाम अहल सुन्नत आला हज़रत मौलाना अशाह अहमद रज़ा ख़ान साहिब कादरी बरकाती कुद्दुस सिर्रह का रिसाला मुबारक अनवार बशारत ज़रूर अपने साथ रखें कि कदम कदम पर राहनुमाई फरमाएगा। या फिर उस्ताजी मोहतरम सदर शरिया हज़रत मौलाना शाह अबू अल अली मौलाना अमजद अली साहिब कादरी बरकाती रिजवी कुद्दुस सिर्रह की बहार शरीयत का हिस्सा शशम के वो निस्बतन आसान भी है और मुफसल भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन